चलो बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस किए थे, है ना। आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको रिवाइज कर देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ते थे, है ना। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते। तो अभी तक अपन ये समझते आ रहे थे कि करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर थोड़ा हीटअप हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, एंड टू ओवरकम द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन हैज टू डू सम वर्क। ठीक है, ओके। तो दैट वाज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले अपन समझते हैं मैग्नेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अपन स्टार्ट यही इसलिए किया था कि आपका चैप्टर में अपन ने सबसे पहले देखा था कि मैग्नेट क्या होता है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे अपन। उसके बाद हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या जिसको अपन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर हमने बात की थी, ये दोनों मैग्नेट के बारे में हो गया, राइट। अब जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, वैसे ही आपका करंट कैरिंग कंडक्टर भी फील्ड लाइन प्रोड्यूस करेगा। तो उससे पहले अपन ने देखा था ऑस्टर एक्सपेरिमेंट, है ना, उन्होंने ही मैग्नेटिक इफेक्ट की डिस्कवरी की थी एक्सीडेंटली। तो उनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आफ्टर दैट अपन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में बात किए थे, राइट। और इसी के बाद स्ट्रेट कंडक्टर के बाद अपन बात किए थे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, फिर इसी में सोलेनोइड के बारे में बात किए थे अपन। हम अलग अलग टाइप के सर्किट में करंट फ्लो करा रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर रहे थे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, राइट। तो इसी में अपन करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर में ही हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सोलेनोइड पढ़े थे, देन वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज अ टेम्पररी मैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, फिर हम आए थे कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो दैट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, और इसी चार्ज पार्टिकल को हमने कन्वर्ट कर दिया था एक कंडक्टर में। फोर्स ऑन अ कंडक्टर है ना कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल और कंडक्टर ऑन इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उनमें कैसा फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहां हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स क्या, कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल। वो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए अपन ने ये रूल पढ़ा था, और ये रूल हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, और ये रूल फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट कंडक्टर, इसके बारे में बात हो गई थी, मोटर तो है नहीं, हम सीधा आ गए थे डोमेस्टिक सर्किट्स में। डोमेस्टिक सर्किट में कैसे वायरिंग होती है ना, उसमें हमने फिर एसी डीसी के बारे में पढ़ा था, है ना, एसी एंड डीसी दोनों का डिफरेंस देखे थे। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। हाँ, अब वो तो डोमेस्टिक सर्किट में आ जाए ना। डोमेस्टिक सर्किट में तीन वायर होते हैं, और
लाइव एंड न्यूट्रल, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेट से। मैग्नेट के बारे में अपने क्या पढ़ा था कि जैसा मटेरियल विच हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या उसके आसपास कोई आएगा तो इट विल एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फोर्स, है ना। मैग्नेटिक इज अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट सम बॉडी एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। दोनों टाइप के फोर्स होते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। हम यहाँ बात कर रहे थे एक बार मैग्नेट की जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे अपन मैग्नेट की कि लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। वो बार मैग्नेट हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर लेता है। जब भी आप उसको एक थ्रेड से टंगा दोगे, सस्पेंड करोगे, इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ को पॉइंट करेगा, उसका साउथ पोल साउथ को पॉइंट करेगा। यही कंसेप्ट का यूज करके अपन मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट इज सपोज टू बी अ मैग्नेट, देयर इज सपोज टू बी अ मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ के जितने भी बार मैग्नेट्स हैं उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है तो, ठीक है। तो यहां हमने मैग्नेट की बात की थी। आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसके बारे में चार पांच प्रॉपर्टी लिखे थे। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस जहां पे आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस रीजन के बाहर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक क्षेत्र हो गया ना, एक फील्ड होगी जहां तक उस मैग्नेट का इफेक्ट है, उस रीजन के बाहर उस मैग्नेट का इफेक्ट नहीं है। तो उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस। हम लाइंस की हेल्प से वो मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये पॉइंट था एक कि दे आर इमेजिनलेस। आपको एक मैग्नेट पकड़ोगे तो वो लाइंस दिखेंगी नहीं कि ऐसा करके लाइन जा रही है, ठीक है। दो आर इमेजिनरी लाइंस। उसके अलावा उनका डायरेक्शन अपन ने देखा था कि इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये पॉइंट देखे थे। दूसरा पॉइंट क्या देखा था हमने कि जहां पे ये फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा है, और जहां इनके बीच में गैप रहेगा वहां पे हम समझ जाएंगे कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, जहां ये थोड़ा सा लेस क्राउडेड होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं यूजिंग अ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और एक पॉइंट देखे थे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। तो अपने कुछ ऐसा कुछ बनाया था, ये आपका अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल में जाएंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन एरोज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो एरो से हमको पता चल रहा है कि नॉर्थ से साउथ है इन आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो दे आर द क्लोज कर्व्स, आप इसको इमेजिनरी लाइंस ही बोल सकते हो या फिर क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। और इसका रीजन भी हमने लिखा था कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कि अगर वो ऐसा करेंगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है, दैट इज द रीजन व्हाई कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑस्टन एक्सपेरिमेंट क्या था, ये करंट की स्टडी कर रहे थे बट बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, तो जैसे ही कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, वायर में करंट फ्लो हुआ, तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल भी रिफ्लेक्ट कर दी। तो उन्होंने कंक्लूड किया क्योंकि कोई भी मैग्नेट तभी रिफ्लेक्ट करता है जब उसके आसपास कोई मैग्नेट हो, राइट। एक मैग्नेट तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब उसके आसपास एक मैग्नेट हो, तो वो करंट कैरिंग वायर के पास में रखा था और करंट जब फ्लो हुआ तभी वो रिफ्लेक्ट किया। फिर जस्ट टू कंफर्म उन्होंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन भी चेंज करके देखा, तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब वो श्योर हो गए कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये बगल वाले मैग्नेट को रखते हुए को डिफ्लेक्ट कर रहा है,
है, तो यहां से उन्होंने एक्सपेरिमेंट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिराइव किया था। ठीक है, कमिंग ऑन टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, तो यहाँ पे अपन एक रूल पढ़ा था, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वो स्ट्रेट एक वायर है, देन वी कैन होल्ड दैट वायर लाइक दिस सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन दैट केस द कर्ल ऑफ द फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरह की। जैसे इसमें अलग थी ना क्लोज कर्व्स, बट यहाँ पे अलग है, ये वायर है आपका और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड, फिर थोड़ी सी दूर होकर एक और मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूर होकर और मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक इसका इफेक्ट होगा। आपने मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखा, वो डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ रखे तब भी डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ रखे तब भी डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ रख दिया तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रीजन इसकी फील्ड के बाहर है, तभी ये मैग्नेट इस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। जब तक वो उसकी फील्ड में रहेगा तब तक ये मैग्नेट इससे डिफ्लेक्ट होता रहेगा। मैं क्लियर? ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ना मैग्नेट से फील्ड का, तो वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती जाती है, समझ रहे? और जितना करंट इसमें बढ़ाओगे आप इस वायर में, उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दो फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। वन इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अपन कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल, या डिस्टेंस बोल लो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करना चाह रहे हो। जितना दूर पॉइंट रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और जितना पास पॉइंट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर में हमने देखा था, राइट हैंड थंब रूल यूज करके हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला था, राइट? अब यही वायर को अगर मैं सर्कुलर लूप में रख दूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, रूल सेम यूज होगा, बट अब जो हम थंब से पॉइंट कर रहे थे वो कर्ल ऑफ फिंगर पॉइंट करेगा, यानी कि करंट विल बी पॉइंटेड बाय कर्ल ऑफ फिंगर एंड थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पर एक करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ रहे? ऐसे फ्लो करना मतलब क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज दिख रहा आपको, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, मेरे लिए क्लॉकवाइज, ठीक है, आप लोग भी एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है लाइक दिस, ठीक है, तो उस केस में हम इसको ऐसे रखेंगे अपने राइट हैंड को, करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो कर्ल शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइक दिस। वायर तो ऐसे पड़ा हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, करंट उसमें सर्कुलर फॉर्म में फ्लो कर रहा होगा, तो ऐसा फ्लो करेगा या तो ऐसा फ्लो करेगा, दो ही तो ऑप्शन है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा या फिर ऐसा, समझ रहे? ठीक है, तो रूल सेम यूज होगा, यहां पे भी राइट हैंड थंब रूल यूज होगा, बस चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट सोलेनोइड देखे थे। सोलेनोइड होता क्या है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को आपने वाउंड कर दिया, राइट, अंदर आप चाहो तो कुछ मटेरियल रख सकते हो या फिर अंदर एयर भी हो सकता है, कोर बोलते हैं जिसके ऊपर, है ना, और यहां पे आप करंट फ्लो करवाओगे, ठीक है, तो नाउ दिस सोलेनोइड विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और सोलेनोइड को हम बार मैग्नेट की तरह मानते हैं, ठीक है, कि इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, जहां पे अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड वैसी ही होगी जैसे एक बार मैग्नेट में हो रही थी, स्टार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, इक्वी डिस्टेंस पे होगी और आपस में वो लाइन्स पैरेलल होगी दूसरे के, उसको अपन कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे से पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां हमने ये भी देखा था कि आप डायरेक्शन करंट का देख करके बता सकते हो कि कौन सा
पोल आपका नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, कुछ ऐसा देखा था हमने कि करंट का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आप बता सकते हो, ऐसा कुछ याद है? ये क्या है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो उस केस में आप बोलोगे वो नॉर्थ पोल है वो साइड, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो दैट विल बी अ साउथ। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट देखे थे, एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट, जब तक आप उसमें करंट पास कराओगे इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और जहां आपने करंट पास कराना बंद कर दिया इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, क्योंकि ये बना होता है आपका सॉफ्ट आयरन से, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन विच कैन बी इजिली मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज। वही जब हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट की, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड आयरन जो कि इजिली मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, वंस इट इज मैग्नेटाइज इट विल बी मैग्नेटाइज फॉर एवर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन रहता है ये, एंड जब करंट पास होगा, करंट पासिस इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, इसका कुछ सेटअप ऐसा लिए थे कि आपने एक आयरन नेल में एक वायर वाउंड करके रख दिया है, ठीक है, और उसको करंट दिया, यहां पे स्विच लगा है, ठीक है, नाउ दिस नेल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इसका यूज अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे जब हमको कोई हेवी चीज उठानी है आयरन की, तो आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओगे कुछ देर के लिए, इट विल पिक दैट थिंग अप, जहां तक ले जाना है आप वहां तक करंट पास करते रहोगे, और जहां उसको छोड़ना है वहां आप करंट देना बंद कर दोगे, तो वहां पे वो रखा जाएगा। ठीक है, ओके, परमानेंट मैग्नेट इट इज मेड अप ऑफ हार्ड आयरन एंड कैन नॉट बी मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल और कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में, लेट्स से ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ एंटर कर रहा है पार्टिकल, तो दैट पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल, या इसके पहले अपन एक और चीज पढ़े थे, चार्ज पार्टिकल है तो क्यू वी बी साइन थीटा, पहले क्यू वी बी पढ़े थे ना, फिर बाद में उसको अपन ने बी आई एल से रिप्लेस किया था, याद है? जब एक चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो मैं क्यू वी भी बोलूंगा, चार्ज बोलूंगा, और जब मैं कंडक्टर की बात करूंगा तो मैं करंट बोलूंगा, समझ लो। तो अभी क्यू वी बी साइन थीटा है, जहां पे क्यू इज द चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल, बी इज द वेलोसिटी विथ विच दैट पार्टिकल इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक, साइन जीरो हमको पता है साइन जीरो वन होता है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब आपके चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट और मैग्नेटिक लाइंस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, साइन 91, अच्छा कॉस 90 जीरो, कॉस 01, हाँ ठीक है, साइन 91। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, बिकॉज साइन जीरो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर वो परपेंडिकुलर आ रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा होगा फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बना ना, तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये तो बात हुई चार्ज पार्टिकल की, जिसका हमको वेलोसिटी पता है कहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड पता है डायरेक्शन कहां पे है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा। ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ रूल था कि इफ यू स्ट्रेच योर फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तब उस केस में ओरिएंट योर हैंड इन सच अ वे दैट फोर फिंगर पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले अपने हाथ को हमको ऐसे ओरिएंट करना है, ऐसे उस डायरेक्शन पे ले जाना है जैसे जिससे आपका जो थंब है दैट शुड सॉरी फोर फिंगर दैट शुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद रोटेट योर हैंड इन सच अ वे दैट द मिडिल फिंगर पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, इन दैट केस द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, ये हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था। यही सेम रूल आप कंडक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो,
ना, डायरेक्शन के लिए भी दोनों के लिए सेम रूल है, बस मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्यू वी बी है, वहां पे बी आई एल हो जाएगा। That's it. तो जब मैं कंडक्टर की बात करूंगा तो फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहां की आई इज द करेंट एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर है ना, अभी चार्ज पार्टिकल तो है नहीं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मिलकर कंडक्टर बन गए, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। एक अकेला चार्ज पार्टिकल करंट नहीं बना सकता, ठीक है, उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं अपन, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक क्लोज लूप के अंदर फ्लो करेंगे, तब आप बोलोगे कि हाँ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है, तो बी आई एल साइन थीटा, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला बस अलग है, बाकी डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्स का एक ही रूल है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, क्लियर है, ओके। यही प्रिंसिपल एक्चुअली आपका मोटर में काम आता है ना, दो मोटर में दो मैग्नेट होते हैं, दो मैग्नेट के बीच में कंडक्टर होता है, आपने जैसे स्विच ऑन किया कंडक्टर में करंट फ्लो होना चालू किया और वो पड़ा कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, नाउ दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस सम फोर्स और जिस कारण वो घूमता है। और पता है ना, मोटर चालू करो तो अंदर मोटर घूमने लगती है, उसका रीजन यही है कि वो दो मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर पड़ा हुआ है जो कंडक्टर मूव करता है, बिकॉज़ वी नो दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, दैट फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। क्लियर है, फिर से प्रिंसिपल रिपीट कर रहा हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स व्हिच मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा एंड व्हिच डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट था आपकी बुक में, हाँ, एक एल्यूमिनियम का रॉड टंगाया हुआ है आपने और वो एक सर्किट का पार्ट है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो करवाओगे और एक हॉर्स शू मैग्नेट रखा था जिसके कारण आपका वो कंडक्टर मूव हुआ, ठीक है, पेज नंबर 230 पेज नंबर 230 में एक्सपेरिमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो हाँ एक्टिविटी 13.7 है शायद, है ना, ठीक है, वो बुक में अलग अलग दिया होगा, तो समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सा एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो उसका डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है वो क्वेश्चन ना कि प्रूव दैट a current carrying conductor and placed in a magnetic field experiences some force, so aapko ye activity karke dikhaunga, okay, then coming on to domestic circuit ki jab hum baat karte hain to isme domestic circuit mein current jo flow karta hai that is ac, two type current padte hain apan ac and dc, ac is the current which keeps on changing, hai na, jiski value har cycle mein change hoti rahegi, alternating current, full form kya hai iska, alternating current, whereas dc current is direct current इसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होगी थ्रू आउट, जो हमें सेल और बैटरी से मिलता है दैट इज अ डीसी करंट और जो हमें जनरेटर से मिलता है दैट इज अ एसी करंट, ठीक है, डीसी जनरेटर भी आते हैं, एसी जनरेटर्स आते हैं बट एसी बैटरीज नहीं आती, ठीक है, बैटरीज आपकी डीसी बैटरीज नहीं होती, ठीक है, तो डीसी जनरेटर्स विल प्रोड्यूस डीसी करंट विच विल बी अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग करंट। हमने दोनों का ग्राफ पढ़ा था कि हमने डायरेक्ट करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था कि टाइम के, ये ग्राफ किसके रेस्पेक्ट में बना था, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम वर्सेस करंट का ग्राफ था ये, कि आप टाइम बढ़ाते जाओ, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा हमेशा, करंट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट, और यही ग्राफ हमने जब इसके लिए देखा था एसी के लिए तो द करंट की जो वैल्यू है कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आपका एक, आप देख रहे हो ना, एक तरह का पीरियोडिक वेव फॉर्म है, पीरियोडिक मतलब which is repeating itself, है ना, ये एक साइकिल हुआ, ये दूसरा साइकिल हुआ, ये तीसरा साइकिल एंड सो ऑन, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जो कि 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये करंट हमारे घरों में आता है, ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में। उसके अलावा डोमेस्टिक सर्किट में अपन क्या पढ़े थे कि तीन वायर्स हैं, तीन वायर हमारे घर में आते हैं, वन इज लाइव वायर,
अनदर इज न्यूट्रल और थर्ड वन इज अर्थ। पर बाहर से जो दो ही वायर आते हैं राइट, एक तो हम घर में लगा के रखते हैं और हमारे स्विच बोर्ड पे वो तीनों वायर पहुंचते हैं। लाइव वायर क्या वायर होता है, सबका अलग अलग वो भी था ना कलर। लाइव वायर के अपन रेड करते हैं टू डिस्टिंग्विश, बाकी कलर का ऐसा कोई रोल नहीं है ठीक है, टू डिस्टिंग्विश कि हम गलती से कभी रेड वायर छू ना दें, समझ रहे हो, क्योंकि वो उसमें आपका सबसे ज्यादा करंट होता है और वही आपका 220 वोल्ट वाला वायर है। न्यूट्रल का पोटेंशियल जीरो होता है, ये हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, करंट विल फ्लो ओनली व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट हाई पोटेंशियल में दूसरा पॉइंट लो पोटेंशियल में, देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एवरीथिंग फ्लोस फ्रॉम हाई टू लो, इसलिए करंट भी हमेशा हाई से लो में फ्लो होगा पोटेंशियल, ठीक है ओके। तो लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट आ रहा है लाइव वायर से, इट विल गो टूवर्ड्स योर अप्लायंस और घूम के वो न्यूट्रल वायर से बाहर जाएगा। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट है ठीक है। न्यूट्रल वायर के लिए सॉरी हाँ न्यूट्रल वायर के लिए हमने क्या लिया था, कलर ब्लैक, ब्राउन भी यूज होता है कई जगह ठीक है, ब्लैक ब्राउन। और अर्थ वायर था हमारा ग्रीन कलर, ग्रीन इंसुलेशन ठीक है। खैर वो ऊपर से इंसुलेटेड होते हैं, अगर आप ऊपर से टच भी करते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा, पर जो काम करने वाला है उसके ऊपर उसको तो पता होना चाहिए कि लाइव वायर कौन सा है। तो इसलिए अपन अलग अलग कलर रखते हैं तीनों के लिए, जिससे आपको पता चल सके लाइव वायर कौन सा है ठीक है ओके। इसके अलावा हमने इसमें और एक चीज देखी थी डोमेस्टिक सर्किट में कि दो टाइप का करंट होता है, मतलब दो टाइप के सर्किट होते हैं, 5 वोल्ट वाला और एक 15 वोल्ट वाला, बिकॉज हमारे घरों में कुछ टाइप के 15 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनका करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, दैट इज द रीजन व्हाई हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं राइट। तो 5 एम्पियर वाले जो डिवाइसेज अपन उनको 5 एम्पियर लाइन से कनेक्ट करेंगे, और जो हमारे हैवी डिवाइसेज हैं जिनमें करंट ज्यादा फ्लो होना है उसको हम 15 एम्पियर वायर से कनेक्ट करेंगे। उसका वायर की थिकनेस भी अलग होती है, जो आपका 15 एम्पियर करंट कैरी करने वाला वायर होगा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, और जो 5 एम्पियर तक का करंट कैरी करने वाला होगा उसका थिकनेस कम होगा। फिर आपने जब डोमेस्टिक सर्किट बनाया था तो पहले अलग अलग टाइप के फ्यूज लगा दिया है, याद है फ्यूज, वो फ्यूज का काम क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस है, किसको प्रोटेक्ट करता है वो अप्लायंस को, है ना। अगर आपने करंट रेटिंग से ज्यादा करंट आपके अप्लायंस में फ्लो होने जा रहा है तो रास्ते में जो फ्यूज होगा दैट विल ब्लो, है ना, और उससे आपके अप्लायंस में उतना ज्यादा हेवी करंट नहीं जाए। फ्यूज इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी डिवाइस या प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर योर अप्लायंसेस ठीक है ओके। इसी में फिर ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट देखे थे। ओवरलोडिंग का मतलब क्या था, कि अगर आप एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या एक साथ बहुत सारे अप्लायंस चालू कर देते हो तो एवरी अप्लायंस नीड सम करंट, है ना, तो आपके वायर में बहुत ज्यादा हेवी करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन सारे अप्लायंसेज आपके पैरेलल में तो कनेक्टेड है ना, ये आपका एसी सप्लाई है, दिस इज अ एसी सप्लाई, जिसको अपन ऐसा डिनोट करते हैं एसी सप्लाई को। इसी तरह हमको पता है कि डीसी सप्लाई कैसे डिनोट करते हैं हम, लाइक दिस ठीक है, बैटरी या सेल लगाते, दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट एन एसी सप्लाई। तो आपने एसी सप्लाई लगा दी, अब आपके घर में बहुत सारे अप्लायंस एक साथ चालू हो रहे हैं, सब पैरेलल में है, ये दूसरा डिवाइस, ये तीसरा डिवाइस, ये चौथा डिवाइस, तो सबको अपना अपना करंट चाहिए होगा, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा वायर के ऊपर, क्योंकि ये तो करंट प्रोड्यूस कर देगा बट क्या उतना करंट आपका वायर कैरी कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली ओवरलोडिंग होगी और वो वायर जल जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सेस हीटिंग ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवरलोडिंग अपन क्या बात करते थे कि बहुत सारे डिवाइसेस हम एक साथ चालू ना करें, और कर रहे हैं तो फिर वो 5 एम्पीयर 15 एम्पीयर की लाइन अलग हो ताकि बहुत ज्यादा करंट आपके पतले वायर में ना फ्लो कर जाए जिससे वो जल जाए ठीक है। और एक था शॉर्ट सर्किट कि आपके उस पाथ का रेजिस्टेंस जीरो हो गया, अपन ने कल भी देखा था ना, जो अपन इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहे थे, मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में कुछ ऐसा एक स्ट्रेट वायर हो जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आप इसको कहते हो शॉर्ट सर्किट। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि व्हेन लाइव वायर
टचेस न्यूट्रल वायर डायरेक्टली. आपका अप्लायंस एक तरह का रजिस्टर है. अप्लायंस क्या है? रजिस्टर. लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में आपका अप्लायंस है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है. अब अगर वो कनेक्टेड है तो ठीक है, रेजिस्टेंस है आपके सर्किट में तो करंट लिमिट में फ्लो होगा. पर अगर ये लाइव वायर न्यूट्रल से डायरेक्टली टच हो गया ना विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तब उस केस में बहुत ज्यादा हेवी करंट फ्लो करेगा, उसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं. उससे भी हेवी करंट से आपका वायर जल जाएगा. वो तो वो रेजिस्टेंस है जिसने करंट को कम करके रखा हुआ है जितना उसको चाहिए अप्लायंस. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है? एक बार देख लो आप लोगों की कॉपी में. एसी वाले जो आपके वो बहुत ड्यूरेबल होंगे है ना, जैसे कौन से केस अपन एक बार दिखा दे. एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी अपन ने कुछ पॉइंट्स दिखे थे. पहला था कि एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर एसी इक्विपमेंट्स आर मोर ड्यूरेबल, मैं बता रहा हूं ना, एसी इक्विपमेंट्स ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इन कंपैरिजन टू डीसी. एंड फॉर इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी एज इट्स वोल्टेज कैन बी चेंज्ड इजीली. जैसे अपने पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हम उसको स्टेप अप करके भेजते हैं. कोरबा से जो इलेक्ट्रिसिटी रायपुर तक पहुंच रही होगी वहां बनती है 220 में, बट उसको अपन स्टेप अप करके 440 करके यहाँ भेजते हैं. देखिए आते आते कुछ ना कुछ लॉस होता है. ठीक है, फिर यहाँ से जब हमारे पास आती है तब हमारे घरों के सामने भी ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं उसके लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए. तो स्टेप डाउन और स्टेप अप दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर आते हैं जो वोल्टेज लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं. तो इसके वोल्टेज लेवल को फ्लक्चुएट करना आसान होता है इन कंपैरिजन टू डीसी, क्योंकि डीसी का वोल्टेज लेवल कांस्टेंट रहेगा. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट इसका वोल्टेज कैन बी वेरी इजीली. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एडवांटेजियस ओवर डीसी. ठीक है, और ये फ्लक्चुएशन कभी कभार हार्मफुल भी हो सकती है डिवाइसेस के लिए, कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होके हाई चला गया तो आपके करंट हाई हो जाएगा. बट फिर आजकल हम घरों में एमसीबी लगाते हैं यूज की जगह, आजकल हम क्या लगाते हैं? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो आपके एंटीनेट और फ्यूज की तरह काम करेगा. बट फ्यूज क्या होता है? जल के खराब हो जाएगा, देन यू हैव टू रिप्लेस दैट फ्यूज. बट ये क्या होता है? ये सिर्फ ट्रिप हो जाएगा, आपको बस उसको फिर से उठाना रहेगा, आपको बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा एमसीबी. और क्या था इसका? एसी ओवर. अब क्या डिसएडवांटेजेस है? ठीक है, हेल्थ हजार्ड है ना, मोर सीरियस शॉक देगा एसी डीसी से. और ये डिसएडवांटेज थोड़ी था, वो नोट करके लिखवाया था. ठीक है, बाकी डिसएडवांटेज एक ही था, इट गिव्स मोर सीवियर शॉक देन डीसी. ठीक है, और कुछ? एक बार नोट्स देखो आप लोग, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन इस चैप्टर के. इसमें ऐसा न्यूमेरिकल कुछ है नहीं. ठीक है, थ्योरी है, ये मैं न्यूमेरिकल था वो इलेक्ट्रिसिटी में और लाइट में है, सिंबल आई गया. दोनों रूल अच्छे से पढ़ेंगे है ना, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का. दोनों में से एक तो क्वेश्चन आएगा, भले डायरेक्टली नहीं पूछेगा बट किसी दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, इस टॉपिक में से. फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, चार पांच जितनी प्रॉपर्टीज है वो.
एक क्वेश्चन लिखो, कॉन्स्टेंट करेंट फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल वायर, अ कॉन्स्टेंट करेंट फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल वायर, अ कॉन्स्टेंट करेंट फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन देखने का अपन देखे थे ना कि हमेशा जब जैसे भी हम बैठे हैं खड़े हैं उसी से अपन डायरेक्शन देख लेंगे कि हमारे सामने वाला पोजिशन पर नॉर्थ बोल लेंगे, पीछे वाले को साउथ बोल लेंगे, राइट, राइट वाले को ईस्ट और लेफ्ट वाले को वेस्ट। ठीक है, कैसे फिर अपन देख सकते हैं कैसा क्या डायरेक्शन है। तो अभी क्या बोल रहा है कि अ कॉन्स्टेंट करंट फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी The direction of magnetic field at a point will be from north to south, from north to south, north to south, options hain A directly above the wire, directly above the wire, second directly below the wire, directly below the wire, third at a point located in the, at a point located in the plane of paper, at a point located in the plane of paper on the north side of the wire, on the north side of the wire, and fourth at a point located in the paper on the south side of the wire, at a point located in the plane of paper on the south side of the wire. ऐसा हम assumption करते हैं अपन, ये north, ये south, ये east और ये west, कुछ ऐसा है situation, एक horizontal wire है जिसमें current flow कर रहा है east से west, तो मैंने ऊपर direction chart बना दिया है, right, और current flow कर रहा है from east to west, क्या आप लोग rule लगा रहे हो, और आप तो right hand से कर रहे हो, ये rule थोड़ा लगेगा इसमें, राइट हैंड थंब रूल यूज होगा, राइट, क्या रूल यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो आपने ऐसा रखा है, समझ लो क्या ये होगा ना, ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर, तो करंट डायरेक्शन कैसा है, देखो थंब विल पॉइंट टुवर्ड वेस्ट, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा कुछ होगा, तो नॉर्थ से साउथ कैसा जा रहा है, बिलो में नॉर्थ साउथ है कि अबव में, तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा ना, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, लाइक दिस, मतलब नॉर्थ से साउथ किस तरफ जाएगा, बिलो द पेपर, साउथ से नॉर्थ कब जाएगा, अबव द पेपर, समझ रहे हो आप लोग, मतलब प्लेन ये है, यहां पे आपका वायर है और फील्ड ऐसी है, ठीक है, तो बिलो द पेपर का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ से साउथ, जब बिलो द पेपर आ रहा है तो नॉर्थ से साउथ है, और जब पेपर से ऊपर जा रहा है तो साउथ से नॉर्थ, समझ रहे, तो क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन बी ना, डायरेक्टली बिलो द वायर, डायरेक्टली बिलो द वायर मतलब नॉर्थ से साउथ, अबव द वायर बोलता तो साउथ से नॉर्थ, मैं आपको तो बोल दिया ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, मतलब हम कैसा देख रहे हैं, बिलो द पेपर वाला, ठीक है, ये दोनों बना लेना, ऑप्शन बी टिक कर लेना,
एक assertion reason है, ठीक है, इसको read कर रहा हूँ सुनना। Assertion, in Fleming's left hand rule, the direction of magnetic field, force and current are mutually perpendicular. Assertion, क्या क्या बोल रहा है? Direction of magnetic field, force and current, they are mutually perpendicular. सही है assertion? Reason सुनना। Fleming's left hand rule is applied to measure the induced current. ये गलत है। मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो पार्ट अपन पढ़ेंगे एक्चुअली, वो पार्ट चैप्टर से हट गया ना, इंडक्शन वाला। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एक्चुअली। वहां फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है, वो अपन नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं अपन? फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ क्या मैग्नेटिक फील्ड। एक और क्वेश्चन सुनना। एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ, वो कंडीशन है, इफ इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, और ये होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये अल्फा पार्टिकल इसी के अलोंग मूव कर रहे हैं। पहला जो आपको पॉइंट बोला है कि विल इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू फील्ड लाइंस। तो पैरेलल हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो, एंड साइन जीरो इज जीरो, तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? नो नो, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फील्ड बिकम्स जीरो, एंड साइन जीरो इज जीरो, ठीक है? तो नो फोर्स। और सेकेंड बोला है इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, यस, और मैक्सिमम भी, यस, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड दैट टू मैक्सिमम बिकॉज साइन 90 इज 1 व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, ठीक है? फिर क्वेश्चन है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, राइट? प्रिंसिपल ही है, ठीक है? लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा? करंट और मैग्नेटिक फील्ड। अरे वो हम रूल किए, लेफ्ट हैंड रूल में तीन ही जो चीज है ना, ये फोर्स है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स इन दोनों के ऊपर। और ये दोनों क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट है, समझ गया ना? दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन, वन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर ऑन द करंट फोर्स, ठीक है? डायरेक्शन बोल रहा है ना, वैल्यू नहीं बोल रहा है, समझ रहे हो? फिर से कुछ क्वेश्चन सुनना। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड। तो डायरेक्शन तो यही दो पे डिपेंड करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे। हाँ, अगर आपसे वैल्यू पूछता है तो अपन बी आई एल साइन थीटा चारों बोलेंगे, समझ रहे हो? डायरेक्शन में तो वैल्यू तो चारों पे डिपेंड कर रही है ना, एफ इज इक्वल्स टू बी पे भी डिपेंड कर रही है, आई पे भी डिपेंड कर रही है, एल पे भी डिपेंड कर रही है और साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रही है वैल्यू, पर डायरेक्शन इन दोनों पे डिपेंड, इन दोनों पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड, ठीक है? Thank you.
नेक्स्ट में जो क्वेश्चन नहीं है जिसमें दोनों पोल्स अपने आप को रिफर कर रहे हैं तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक मिनट टेस्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपको एक दो मैग्नेट ऐसे बना के रख दिए थे, राइट, ये वाला बोल रहे हैं ना, और फील्ड लाइंस कुछ ऐसी थी, ये तीन लाइन ऐसी बनी थी जो इसमें एंटर कर रही थी, है ना, और ऐसी तीन लाइन इसमें थी जो इसमें एंटर कर रही थी, ठीक है, और यहां से भी एंटर ही करेंगी, ठीक है, ऐसा कुछ बस था। आपको आइडेंटिफाई करना था कि दोनों के पोल्स क्या है। देखो ये वाला होगा नॉर्थ, तभी तो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है इधर, और यहाँ पे होगा ये वाला आपका साउथ और ये होगा नॉर्थ, तभी तो यहां से ऐसा आ रहा होगा सीन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आप लोग ठीक से मेंशन भी नहीं किया, इसको रीड्रॉ करके बस एन एस एस एन लिख देते, खत्म हो जाता क्वेश्चन। ऑप्शन भी क्या है? नहीं ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं दिया था मैंने। चलो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 था। ऐसा कुछ बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, मतलब अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा ना, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इधर से फ्लो कर रही है, यहां से यहां, है ना, पर करंट तो ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि करंट आपके कैसे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो करता है करंट, है ना, भले इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है, बट करंट होगा राइट टू लेफ्ट, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, राइट, इनटू द पेज, करंट इधर, तो अब फील्ड देखो कहां पे है, बिलो द पेज, ये इनटू द पेज है ना, ये बिलो द पेज, समझ रहे, अगर ये ऐसी होती ना तो आउटवर्ड ऑफ द पेज ऐसा बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिलो द पेज, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डाउनवर्ड्स भी लिख सकते हैं, डाउनवर्ड्स बिलो द पेज कैसा, ठीक, इसलिए आपने क्वेश्चन एक और कर दिया हाई टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ ऐसा वाला था, ठीक है, उसको भी रीड करना सुनना, इसमें ऑप्शन दिया था, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको अपन अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, towards west is deflected towards north. अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ये चलो आपको के डायरेक्शन में खड़ा हूं, तो ये नॉर्थ है, राइट, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट और पीछे साउथ, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो इट वॉज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब वो इधर जा रहा था, राइट, बट डिफ्लेक्ट होके वो नॉर्थ में चला गया, मतलब फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन कहां पे है, नॉर्थ की तरफ, ओके, और क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, नॉर्थ की तरफ आपका फोर्स है और करंट कैसा है, अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही आपका करंट का डायरेक्शन है ना, मतलब ऐसा कुछ, तो कैसा लग रहा है, अपवर्ड, नॉर्थ नहीं बोल रहा, नॉर्थ तब होता ना जब ये वाली फिंगर यहां पॉइंट करती, ये तो अपवर्ड है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं, नॉर्थ इज टुवर्ड्स बोर्ड, साउथ इज टुवर्ड्स आप लोग की तरफ, और ईस्ट यहां है, सॉरी वेस्ट यहां है, ईस्ट यहां है, राइट, तभी तो पहले वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, पर जाते जाते वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जब आपने उसको ऐसा रखा कि ये आपका करंट है, ये फोर्स है, तो फोर फिंगर कहां जा रही है, अपवर्ड, नॉर्थ नहीं बोलना, ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड, इसलिए ऑप्शन में टूवर्ड्स नॉर्थ भी दिया, वो भी पहला ऑप्शन है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इस तरह बोला कि जहां आप बैठोगे ना उसी प्लेन में चारों डायरेक्शन पहले अज्यूम कर लेना, नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट, तो गलती नहीं होगी। ऐसे भी देखोगे तो देखो वो जा रहा था वेस्ट पर चला गया नॉर्थ, तो करंट का डायरेक्शन सॉरी फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा फोर्स का डायरेक्शन हम आप लोग की तरफ करूंगा ना मैं, ये आप लोग नॉर्थ हो अब और ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो वो जा रहा था ऐसे पर चला गया सीधा नॉर्थ की तरफ, ऐसा होगा। अब फील्ड तो निकालनी है, करंट कैसा है ऐसा इस तरह का ना करंट, अल्फा पार्टिकल के डायरेक्शन में ही करंट करना और इलेक्ट्रॉन बीम के अपोजिट डायरेक्शन में करंट, क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट करता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के टूवर्ड्स अपन ने मिडिल फिंगर पॉइंट नहीं करी, अपोजिट डायरेक्शन में की, पर यहाँ अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन है। अभी भी आप फील्ड कहाँ है, क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, रूल को या तो यूज करने आ जाएगा ऐसे, या तो फिर आपको बोलेगा कि रूल लिखो, रूल लिखने वाला काम तभी होता है ना, आपको यूज करने आना चाहिए रूल को। ठीक है, तो ये चैप्टर इतने का, वेडनेसडे को इलेक्ट्रिसिटी का और का टेस्ट रहेगा ह्यूमन आई प्लस लाइट का, और उसी दिन ना मुझसे शीट भी ले लेना आप लोग इस वाले चैप्टर, ना मैं कल ही देता हूँ अगर मैं कल दे पाया तो, वरना वेडनेसडे। ठीक है, चलो थैंक यू। इसका कौन सा चैप्टर रिवाइज करें? कार्बन डाइऑक्साइड।